नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ जय शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में उन युवाओं की जिन्हें नौकरी की तलाश होती है, जिन्हें रोजगार की तलाश होती है। और आपको पता है कि बिहार कोरोना से अब उबर रहा है, कोरोना का संकट काल कम हो रहा है, और वैसे ही सरकार रिक्तियों को भरने की कोशिश में लग गई है, वैसे पदों को भरने की कोशिश में लग गई है जिन पदों पर भर्ती होनी है, वैकेंसियां निकाली जा रही हैं और युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में अब किस विभाग में कितनी वैकेंसीज निकाले जाने वाली हैं और आवेदन की प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ खबर है। कोरोना से धीरे धीरे उबरते बिहार में अब युवाओं के लिए बेहद अच्छी खबर है। एक बार फिर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग बड़े स्तर पर नौकरी देने जा रहा है, जिसको लेकर द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार से और कैसे सभी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना है और किन किन पदों पर ये नियुक्तियाँ होने जा रही हैं। जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बीएसएससी की ओर से द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर हुए लॉकडाउन के बाद आयोग आधिकारिक रूप से 2 जून से खुला है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग राज्य के एक दर्जन विभागों में इंटर स्तरीय सहायक लिपिक, आशुलिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, सहायक राजभाषा निदेशक के 2649 पदों पर नियुक्ति करेगा। इसके लिए महीने के अंत तक विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आयोग के पास अभी तक राज्य के एक दर्जन से अधिक विभागों से रिक्तियां आ गई हैं, जबकि कई विभाग ने जल्द ही रिक्तियां भेजने की सूचना दी है। सबसे अधिक नगर विकास सह आवास विभाग में निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 2188 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने की स्वीकृति दी गई है। आयोग के द्वारा माह के अंत तक जारी किए जाने वाले विज्ञापन में अभ्यर्थियों को जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। इसमें 40,000 से कम आवेदन आने पर प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर आशुलेखन या फिजिकल जांच परीक्षा आयोजित होगी। यदि 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा भी आयोजित कराई जाएगी। आयोग की ओर से इसी वर्ष के अंत तक प्रारंभिक परीक्षा लेने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर तैयारी आरंभ की गई है। इसमें अब तक विभिन्न विभागों से 2649 अधियाचना की स्वीकृति आयोग को प्राप्त हुई है। इसी महीने के अंत तक विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन भी ले लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बिहार एसएससी के द्वारा बड़े पैमाने पर नौकरी दी जाने की तैयारी की जा रही है और बिहार के युवाओं को मद्देनजर रखते हुए ये तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हालांकि देखने वाली बात यह होती है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली जाने वाली है, जिस परीक्षा की बात की जा रही है, उसकी परीक्षा ली जाने के बाद रिजल्ट कब तक आता है, क्योंकि आपको पता है कि बीएसएससी पर रिजल्ट यानी कि परिणाम के नतीजों को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं और कहा जाता रहा है कि परीक्षाएं तो हो जाती हैं लेकिन उसके नतीजों के लिए साल साल भर इंतजार करना पड़ता है। बहरहाल ये खबर बिहार के युवाओं के लिए अच्छी लगी, इसलिए हमने सोचा आपको बता दिया जाए। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।